हमें वार्म अप कब करना चाहिए, स्ट्रेचिंग कब करना चाहिए, एबीसी ड्रिल्स कब करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये पता नहीं तो दोस्तों आज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि हमें वार्म अप कब करना चाहिए, स्ट्रेचिंग कब करना चाहिए, एबीसी ड्रिल्स कब करना चाहिए। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना। हमें कब क्या करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड रहता है। हमें कब क्या करना चाहिए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है देखो दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर आ जाते हो तो सबसे पहले हमें लाइट स्ट्रेचिंग करना है, जिसको हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। रनिंग से पहले हमें ये स्ट्रेचिंग करना है, क्योंकि अगर आपने पिछले दिन अच्छे से वर्कआउट किया होगा तो आपकी मसल्स एक तो टाइट हो सकती है, एक तो आपकी जो कहीं भी मसल्स है वहाँ पर खिंचवा जाता है, एक तो हैमस्ट्रिंग पेन होता है, जो काफ्स पेन होता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए, रिलीव करने के लिए आपको लाइट स्ट्रेचिंग करना है। और किस तरह से स्ट्रेचिंग करना है आप अच्छे से देख लो दोस्तों, और जो भी स्ट्रेचिंग है उसकी वीडियो आप चैनल पर जाकर देखो, सभी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप वहाँ पर देखोगे तो आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। फिर उसके बाद हमें लाइट स्ट्रेचिंग होने के बाद 10 मिनट रिलैक्स जॉगिंग करना है। 10 मिनट बिल्कुल आपको स्लो जॉगिंग करना है, ज़्यादा फास्ट करना नहीं। और जॉगिंग होने के बाद हमें अच्छे से वार्म एक्सरसाइज करना है, सबसे पहले स्ट्रेचिंग, उसके बाद 10 मिनट जॉगिंग और फिर वार्म अप। उसमें हमें कैसे करना है देखो, और ये दोस्तों अच्छे से देखना आप जो भी मैं दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आपको चैनल पर जाकर देखो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, सभी एक्सरसाइज की लिंक दिए, वहाँ से आप कर लो। इस तरह से आपको दोस्तों पहले लाइट स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद 10 मिनट जॉगिंग, फिर उसके बाद इस तरह से आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना है। इसमें आपको अपर बॉडी स्ट्रेचिंग करने, अच्छे से लोअर बॉडी अच्छे से वार्म करने हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप वर्कआउट या रनिंग कर सकते हैं। और अच्छे से डिटेल्स में जानने के लिए दोस्तों आप चैनल पर मैंने लिख दी, वहाँ से आप अच्छे से देख लो। फिर वार्म अप एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको कुछ एबीसी ड्रिल्स करना है, जिससे आपकी बॉडी एक अच्छी एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। यहाँ पर हम ए स्किप कर रहे हैं, उसके बाद हम बी स्किप करेंगे, अल्टरनेट करके हमें हमारा जो लेग है उसको अल्टरनेट करके आगे तरफ फेंकना है। हमें 10 मीटर एक्सरसाइज करना है और उसके बाद हम 10 या 20 मीटर इजी स्टाइल लेनी है। और एबीसी आपको अच्छे से करना है, जिससे आपका स्पीड और रनिंग स्पीड और टाइमिंग में फर्क पड़ेगा। फिर एबीसी होने के बाद हमें 80 मीटर में 80 या 90% रिपोर्ट से 2 या 3 स्टार्ट लगानी है, आप देख लो। फिर उसके बाद आपको दोस्तों जो भी आपका वर्कआउट है, जो भी आपकी रही तो रनिंग की रेपिटेशन है, उसको लगाना है, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको स्ट्रेचिंग करना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है।